के प्रतिपदा के दिन साईं मंदिर भक्तों के लिए खुला किया गया है। कोविड 19 के पार्श्वभूमि पर मंदिर में 6,000 लोगों का दर्शन करने का प्रावधान हमने किया है और कोविड के सब एसओपी के तहत हमने नियोजन करके ज़्यादा से ज़्यादा वो सैनिटाइजेशन टाइम कम करके और ज़्यादा लेबर बढ़ा मतलब बढ़ा के 8,000 तक दर्शन दे सकते हैं। शिरडी में पिछले सप्ताह का हमारा जो एक्सपीरियंस है उसके तहत हमें ऐसा दिखाई दिया गया है गुरुवार और रविवार के दिन छुट्टी होने के कारण बहुत भीड़ होती है भक्तों की। तो मैं मुख्य कार्यकारी अधिकारी कामराज बगाटे अपील करता हूँ कि भक्तों ने शिरडी आने से पहले ऑनलाइन sai.org.in इस वेबसाइट पर जाकर अपने दर्शन का टाइम और तारीख निश्चित करके ही शिरडी में आए, अन्यथा वो वकील अगर आए कौन सा नियोजन न करके आए तो उनको दर्शन नहीं मिलेगा, उनका उनको असुविधा के लिए सामना करना पड़ेगा और कोविड-19 के बैकड्रॉप पर सभी को परेशानी भुगतनी पड़ेगी। इसलिए सभी भक्तों को अपील है कि वो शिरडीज में आने से पहले अपना दर्शन का टाइम और तारीख निश्चित करके आए, अन्यथा न आए, ये मेरी अपील है, ताकि आपको अच्छे से अच्छा दर्शन मिलेगा। धन्यवाद। आज संडे है, संडे के दिन और सैटरडे के दिन लोगों की ज़्यादा भीड़ होती है। संडे संडे और सैटरडे को मद्देनजर रखते हुए हमने कल से क्राउड कंट्रोल के लिए अच्छा सा इंतजाम किया है। हम सैनिटाइजेशन है, सोशल डिस्टेंस है, ये सब हम प्रॉपरली फॉलो कर रहे हैं। हम लोगों को जो टाइम स्लॉट दे रहे हैं मेजोरिटी ऑफ लोग उसको फॉलो कर रहे हैं, तो ज़्यादा अभी भीड़ नहीं है। बाहर जो क्राउड हो रही है सर, धूप में लोग खड़े हैं, तो क्या है उसके लिए कोई प्रावधान किए जाएंगे ट्रस्ट की ओर से? 2 नंबर गेट से मेन मंदिर में दर्शन के लिए एंट्री दी गई है। 2 नंबर गेट के सामने हमें पूरा मंडप लगवा लिया है, इसलिए लोगों को धूप की परेशानी ना हो। जहाँ बायोमेट्रिक पास काउंटर है उधर भी हमने मंडप की अरेंजमेंट किया है, तो इसके हिसाब से लोगों को कम से कम यानी कुछ परेशानी ना हो, हमारा ऐसा प्रयास चल रहा है। सुविधा के लिए हमने हमारे जो 4 भक्त निवास है, साई आश्रम भक्त निवास, आश्रम भक्त निवास, द्वारावती, सब जगह हमने बायोमेट्रिक काउंटर लगाए हुए हैं। जो लोगों को पास लेना है वो उधर से भक्त निवास से पास ले सकते हैं। जो लोग उधर रुके उन्होंने लोगों ने 2 नंबर गेट या श्रीराम पार्किंग में आने की जरूरत नहीं, उधर से पास लेने की जरूरत नहीं, वो सीधा अपने भक्त निवास से पास लेके डायरेक्ट ज्वाइन लाइन में ज्वाइन हो सकते हैं। इसलिए हम लोगों को अपील करते हैं कि आप जिधर रुके हैं उस एरिया में पास काउंटर बहुत बड़े पैमाने लगाए हुए, उधर से आप पास लीजिए, इसकी वजह से आपको कोई तकलीफ नहीं होगी। सर अभी कितने लोगों की दर्शन की व्यवस्था हो चुकी है और बाकी जो लोग आए हैं उनको दर्शन किस प्रकार से मिलेगा? शासन के सोशल डिस्टेंसिंग सैनिटाइजेशन के पूरा वक्त हमको देना पड़ता है। अभी तक तो 5,000 लोगों ने दर्शन लिया है, उसके हिसाब से हम आरती के जब आरती के लिए मंदिर जब बंद होता है तो लोगों का फ्लो देख के हम उसका मैनेजमेंट करेंगे। अभी 9,000 से ज़्यादा भक्त जो है अगर होते हैं तो उनको दर्शन मिलेगा या किस प्रकार की व्यवस्था करेंगे सर? 9,000 के अभी तो 9,000 के आगे लोगों की संख्या गई नहीं है। जब लोग आएंगे तो हमारे टाइम मैनेजमेंट के हिसाब से मंदिर में लोगों का दर्शन, शासन के सभी रूल्स फॉलो करके हम उसका डिसीजन लेंगे।